हे दोस्तों, 2024 में आज तुमको 17,000 के बजट में टॉप 5 बेस्ट ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि किलर फोन्स होंगे। खैर, फीचर्स तो काफी कमाल के देखने को मिल ही जाते हैं, जैसे 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज, 6000mAh की एक बड़ी बिग बैटरी होगी, 67W का फास्ट चार्जर भी होगा, एक प्रीमियम लेवल का डिजाइन भी रहेगा, 120Hz की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा, OIS कैमरा जिससे 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, साथ ही साथ आपको एक किलर गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इस टाइम में अपने लिए कोई सा भी बेस्ट फोन 17,000 के बजट में ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम, रिव्यूज एंड एनालिसिस किया है और उसके बाद ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे दोस्तों, हम बात करेंगे इस लिस्ट के नंबर 5 स्मार्टफोन के बारे में जो कि गाइस रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी नार्जो 60। सो गाइस, अगर आपको भी कोई सा भी बेस्ट फोन चाहिए रियलमी की तरफ से तो इससे बेस्ट फोन नहीं हो सकता। इस बजट के अंदर लुक, डिजाइन से लेकर ओवरऑल सभी स्पेसिफिकेशन भी काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं एंड इस बजट के अंदर काफी कमाल का ये फोन रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर वीगन लेदर फोन का बेक आता है, 7.9mm की थिकनेस एंड 182 ग्राम फोन का वेट है। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.43 इंच की FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की, तो यहाँ पर ड्यूल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पर 64MP का प्राइमरी है एंड इसी के साथ एक 2MP का यूजलेस सेंसर भी देखने को मिलता है। 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा है, 1080p 30fps पर बैक हो या फिर फ्रंट दोनों से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो ओवरऑल फोन का कैमरा एवरेज से ऊपर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फोन के बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर मिलता है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी जिसे चार्ज करने के लिए दिया है 33W का फास्ट चार्जर। इसी के साथ बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस की बारे में, तो यहाँ पर मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 वाला चिपसेट जो कि 7nm पर बेस्ड है और इसकी एंटूटू स्कोर की बात करें तो 4,00,000 के करीब एंटूटू स्कोर निकाल के देता है। प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। डे टू डे लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाओगे। साथ ही अब बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर मिलता है 9.5G बैंड का सपोर्ट, साथ ही ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, साथ ही ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है और इस फोन के अंदर सबसे अच्छी बात कि ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग को लेकर, तो 8GB 128GB के लिए 17,390 फोन की प्राइस है, साथ ही आपको बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप 17,000 के अंदर आराम से इसे परचेस कर पाओगे एंड इस बजट में देखें तो ये एक बेस्ट चॉइस हो सकता है रियलमी की तरफ से, रियलमी का नार्जो 60। तो गाइस, अब हम इस लिस्ट के अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन। नॉर्मली फोन की प्राइस 18,000 से 19,000 तक होती है, बट अभी के टाइम में इस समय बिना किसी बैंक ऑफर के साथ 15,000 के प्राइस में इसे खरीद पाओगे एंड इस प्राइस के अंदर देखें तो ये एक किलर फोन रहेगा सैमसंग की तरफ से, जहां पर आपको टॉप नॉच लेवल का कैमरा देखने को मिलेगा, बिग बैटरी देखने को मिलेगी एंड ओवरऑल डिस्प्ले भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से, तो यहाँ पर जो बैक है ये कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, 8.8mm की थिकनेस है एंड 208 ग्राम फोन का वेट है। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.5 इंच की FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 1000 nits की पिक ब्राइटनेस लेवल भी दी गई है एंड कोलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा है, कंटेंट वॉचिंग के लिए आपको काफी अच्छा फोन का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की,
तो यहाँ पर 3 ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन है OIS को सपोर्ट करता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिल जाता है। वहीं सेल्फी की तरफ बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी है, बैक से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वहीं सेल्फी की बात करें तो फुल HD प्लस 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा कह सकते हो इस फोन का। वहीं बात कर लेते हैं फोन के बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर मिलता है 6000 mAh की एक बिग बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 25 वोट का फास्ट चार्जर दिया गया है। बट हाँ, आपको बता दूँ, इस फोन के अंदर कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा इन बॉक्स। बाकी बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मिलता है सैमसंग का ही एक्सिनोस 1280 वाला एक चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है, 5nm पर बेस्ड है। एंटूटु स्कोर की बात करें तो 450,000 के करीब एंटूटु स्कोर निकाल के देता है। बट दोस्तों, आपको परफॉर्मेंस एवरेज टाइप का ही देखने को मिलेगा। खैर, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप LPDDR4XM टाइप के साथ आता है। और द फीचर्स एंड बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, 11 5G बैंड का सपोर्ट, सिंगल बॉटम स्पीकर भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। खैर, यहाँ पर इनबॉक्स ये फोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 4 साल की मेजर ओएस अपडेट देखने को मिलता है, यानी 13 के बाद एंड्रॉइड 14, 15, 16 और 17 तक देखने को मिलेंगे अपडेट्स। साथ ही 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखें तो सभी चीज काफी बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग को लेकर, तो यहाँ पर 6GB 128GB स्टोरेज के लिए इस टाइम बिना किसी बैंक ऑफर के साथ 16,289 रुपीस में इसे खरीद पाओगे। खैर, आपको बैंक ऑफर 1000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, वो आप देख लीजिएगा। तो आप इस फोन को आराम से 15,000 के आसपास के बजट में इसे खरीद पाओगे, जो कि काफी कमाल का रहेगा। हे दोस्तों, अब बढ़ते हैं लिस्ट के नंबर 3rd के स्मार्टफोन की तरफ, जो कि आता है वीवो का T2 5G स्मार्टफोन। ये एक ऑल राउंडर पैकेज कह सकते हैं, इट मीन्स आपको डिजाइन से लेकर डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस एंड कैमरा भी काफी तौर पर अच्छा देखने को मिल जाएगा। खैर, फिलहाल ये फोन आपको बिना किसी कार्ड ऑफर के साथ 17,000 के नीचे ही देखने को मिल जाता है। बट इसे आप 15,000 के बजट में खरीद पाओगे, वो कैसे आपको वीडियो को आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए हम इस ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से बात करते हैं। तो इस फोन में बैक प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है और फोन का लुक काफी प्रीमियम देखने को मिल जाता है। लाइटवेट फोन है क्योंकि 172 ग्राम ही फोन का वेट है। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.38 इंच का FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, विथ वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले पैनल के साथ। साथ ही 90Hz का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। खैर, 360Hz का टच सिंपलिक रेट एंड 1300 निट्स अप टू पिक ब्राइटेस्ट लेवल भी दिया गया है। खैर, ये एक सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कलर काफी कमाल के देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का मेन है OIS को सपोर्ट करता है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलेगा, फुल HD प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फ्रंट में यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, जिसे आप फुल HD प्लस 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। खैर, ऑप्टिमाइजेशन कैमरे के अंदर काफी सही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फोन का बैक एंड फ्रंट काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, बट अल्ट्रा वाइड भी होता तो काफी सही होता। बात कर लेते हैं फोन के बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जिसे चार्ज करने के लिए 44 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर दिया गया है, 1 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज कर देता है। बात कर लेते हैं खैर फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मिलता है स्नैपड्रैगन 695 वाला एक चिपसेट, जो कि एक वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट है, 5G चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है। एंटूटु स्कोर की बात करें तो 410,000 के करीब एंटूटु स्कोर निकाल के देता है। एंड गाइस, परफॉर्मेंस एवरेज टाइप का देखने को मिल जाता है, मीडियम लेवल की गेमिंग कर पाओगे। खैर, ये एक वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है, तो आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप LPDDR4XM टाइप देखने को मिल जाता है। खैर, बात कर लेते हैं अदर एंड बेसिक फीचर्स की, तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी 2 5G सिम या 1 5G सिम, 1 SD कार्ड लगा पाओगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 पे आता है, जो कि बेस्ट है फॉर टच ओएस 13 पर। 2 साल की मेजर ओएस अपडेट्स एंड 3 इयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाता है। 6 5G बैंड्स का सपोर्ट है।
बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 16,999 रुपीज देना होगा बिना कार्ड ऑफर के साथ। बट हाँ, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा था, इसे आप ओनली 15,000 के बजट में खरीद पाओगे, क्योंकि कार्ड ऑफर लगाने के बाद 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। सो आप इस फोन को बाय 15,000 के बजट में कर पाओगे। एंड इस प्राइस के अंदर देखें तो ये एक काफी कमाल का फोन रहेगा, जिसे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब अपने लास्ट सेकेंड स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर यह फोन एक ऑलराउंडर फोन कह सकते हो। 17,000 के बजट में काफी कमाल के फीचर के साथ आता है, जैसे यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है, साथ ही अच्छा डिस्प्ले से लेकर कैमरा एंड ओवरऑल अच्छा स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। खैर, साथ ही आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए, जहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मजा ले पाओ, तो आप इस फोन पर डेफिनेटली जा सकते हो। 12GB 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जो कि मोटो का है G84 5G स्मार्टफोन। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर जो फोन का बैक है, ये वीगन लेदर से बना है। साथ ही साथ एक दूसरा भी देखने को मिलता है वेरिएंट, जो कि PMMA बैक के साथ आता है। वेट की बात करें तो 168 ग्राम फोन का वेट है, जो कि काफी हल्का है। 7.6mm की थिकनेस है, यानी कि काफी पतला भी फोन रहेगा। साथ ही IP54 का रेटिंग भी है, यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटरप्रूफ भी रहेगा। बात कर लेते फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.55 इंच की FHD+ PLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो कि एक 10 बिट वाला डिस्प्ले है। 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच स्पील रेट देखने को मिलता है, एंड अप टू 1300 इसकी पीक ब्राइटनेस लेवल भी दी गई है। खैर, ये फोन जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो ओवरऑल फोन को डिस्प्ले वाइज देखे तो काफी कमाल का ये फोन रहेगा, सभी चीज देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 50MP का मेन होगा विद OIS सपोर्ट के साथ। 8MP का एक और लेंस देखने को मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड माइक्रो डेप तीनों काम एक ही कैमरा करता है। बाकी यहाँ पर 16MP का फ्रंट है। बैक से आप फुल HD+1080p पर 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बात कर लेते फोन के बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर मिलता है 5000mAh की बड़ी बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर 33W का टर्बो फास्ट चार्जर दिया गया है। करीब 1 घंटे 20 मिनट के अंदर फुल्ली चार्ज कर देगा। बात कर लेते फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मिलता है कोलकम स्नैपड्रैगन की तरफ से 695 वाला एक वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है, 6N अपर बेस्ड है, 420,000 के करीब एंतुतु स्कोर निकाल के देता है। खैर, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप LPDDR4X रैम टाइप के साथ आता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 पे आता है, जो कि बेस्ड है MIUX पर। खैर, ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिलता है, जहां पर आपको कोई भी ब्लूटूथ एंड एड्स नहीं देखने को मिलेंगे। 1 साल की मेजर ओएस अपडेट्स एंड CST सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं अदर एंड बेसिक फीचर्स की, तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। स्पीकर की आउटपुट बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। 14 5G बैंड्स का सपोर्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग को लेकर। तो 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 18,999 रुपीज फोन की प्राइस देखने को मिल जाती है, बट आपको बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा 1,000 रुपीज का, वो आप देख लीजिएगा। तो इस फोन को आप 18,000 के बजट में खरीद पाओगे। तो गाइस, अगर आप बजट थोड़ा सा बढ़ा लेते हो तो आपको एक बेस्ट फोन मिल सकता है। तो गाइस, अब समय आ गया है नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेने का। तो यहाँ पर आता है पोको ब्रांड की तरफ से पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन। खैर, नॉर्मली ये फोन 20,000 के ऊपर ही देखने को मिलता है, बट इस समय इस वक्त ये फोन 17,000 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। एंड इस प्राइस के हिसाब से ये एक बेस्ट फोन रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके सभी फीचर्स के बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पर डिजाइन काफी प्रीमियम लेवल का देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो 181 ग्राम फोन का वेट है, यानी कि लाइटवेट फोन रहेगा। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.67 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 360Hz की टच स्पील रेट भी देखने को मिल जाता है। खैर, कोरलिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन एंड अप टू 900 nits की पीक ब्राइटनेस लेवल भी दी गई है। खैर, डिस्प्ले के अंदर और कई सारे फीचर्स है, जैसे HDR10+ का सर्टिफिकेशन, एंड ये एक 10 बिट वाला डिस्प्ले है, यानी ओवरऑल ये एक नेक्स्ट लेवल का फोन का डिस्प्ले रहेगा।
एंड इस फ़ोन के अंदर यही हाइलाइटिंग पॉइंट रहने वाला है इस फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर ये एक काफ़ी कमाल का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास की। तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो देखने को मिल जाता है। एंड ये एक HM2 वाला सेंसर इस्तेमाल किया गया है इस फ़ोन के अंदर। बैक से आप 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फोटोज इस फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। खैर यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी भी देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर, जो कि कोलकाता स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 5G चिपसेट है, 6nm पर बेस्ड है। एंड इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट नेक्स्ट लेवल की हाई लेवल वाली गेमिंग कर पाओगे बिना किसी लैग एंड हीटिंग के, क्योंकि 5,50,000 के करीब एंटूटू स्कोर निकाल के देता है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप LPDDR4X एम टाइप के साथ आता है। तो फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा डे टू डे लाइफ में। बात कर लेते हैं फ़ोन के बैटरी को लेकर, तो यहाँ पर मिलता है 5000 mAh की बैटरी एंड इसी को चार्ज करने के लिए सुपर फास्ट 67 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि एक घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज कर देता है। खैर अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स की। तो यहाँ पर IP3 रेटिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी है, 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर 2 5G सिम लगा पाओगे। SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है, साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। खैर ये एक पोको का फोन है तो आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइसिंग को लेकर। तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए 16,999 फोन की प्राइस देखने को मिल जाती है इस समय के अंदर। खैर आपको बैंक डिस्काउंट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, तो आप इस फोन को 16,000 to 17,000 के बजट में खरीद पाओगे। एंड इस प्राइस के अंदर ये एक ऑलराउंडर बेस्ट किलर फोन रहेगा, जिसे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर किलर फोन्स, जिन्हें आप अंडर 17,000 के बजट में खरीद सकते हो। पांचों ही फोन्स काफ़ी कमाल के हैं, चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी गाइस आप बताओ कौन सा फ़ोन आप बाय करना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को एंड यही पे करते हैं।